स्वागत रहे। आज इस वीडियो के सौजन्य से कुछ महत्वपूर्ण चर्चा की जाएगी, जानकारी दिया जाएगा, क्योंकि कई सारे लोग कहते हैं कि गुरुदेव आप जो हैं बच्चों को कैसे सुधारा जाए, इस पर कुछ पॉइंट बताइए। उसी से जुड़ी हुई नॉलेज दूंगा ताकि हमारा आपका बुढ़ापा बेहतर बने, क्योंकि बच्चे ही माता पिता का भविष्य होते हैं। माता पिता का ही नहीं अपितु पूरे भारत का, पूरे विश्व का भविष्य जो है युवा शक्ति ही है। और आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि भारत के अंदर, और हाँ कई सारे लोग कहते हैं कि कुछ वीडियो हिंदी में भी बनाइए मोटिवेशनल, तो ये मोटिवेशनल वीडियो है, अवश्य ध्यान से सुने और इसे शेयर करें। आपकी जानकारी को बताएं कि विश्व की बहुत बड़ी आबादी में से भारत के अंदर युवा शक्ति है। विश्व की में सबसे ज्यादा जो युवा हैं, लगभग 65-70% के आसपास, वो भारत के अंदर है। भारत के अंदर युवा इतने क्यों हैं? इसके पीछे का सिंपल लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। या आपकी जानकारी को एडिशनल जानकारी दे रहा हूँ, अतिरिक्त जानकारी दे रहा हूँ, हालांकि ये वीडियो का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ऐड कर दिया, ऑटोमेटिक हो गया। युवा अमेरिका में क्यों इतना नहीं, चाइना के में क्यों नहीं, इतना क्यों नहीं है अन्य देशों में? सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि भारत की जो जलवायु है वो बड़ी विषम है। इतनी विषमता, इतनी विभिन्नता किसी भी देश की जलवायु में, द्वीप की जलवायु में नहीं है, जितनी कि हमारे भारत की जलवायु में वैषम्य है। जो इसके अंदर गर्मी से लड़ना होता है लोगों के लिए, और गर्मी के बाद फिर आपको वर्षा भी झेलनी है। अभी अभी आपका शरीर गर्मी को झेलने के लायक हुआ, उसके तुरंत बाद जो है वर्षा आ जाती है, फिर वो आपके शरीर के लिए अपने तरह से परिपक्व बनाते हैं। उसके अतिरिक्त सर्दी आ जाती है, शरद ऋतु आ जाती है, फिर वो झेलने लगते हैं। बड़ा युद्ध करता है भारत का जो निवासी है। भारत के निवास करने वाले लोग प्रायः गर्मी को झेलते हैं, सर्दी को झेलते हैं और वर्षा को झेलते हैं। कहीं कहीं पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, कहीं कहीं पे सर्दी ज़्यादा पड़ती है, कहीं कहीं पे वर्षा ज़्यादा होती है, चेरापूंजी जैसे प्रांतों में ज़्यादा, लेकिन अपने उत्तर भारत में तीनों चीज़ें झेलनी होती हैं आपको। उत्तर भारत के साथ साथ पूरे भारत में वर्षा का भी चक्र चलता है, सर्दी का भी चक्र चलता है। हालांकि कहीं यहाँ पर भी ठंड कम होती है, मानता हूँ, मुझे पता है, लेकिन ये जो तीनों चक्रों के जो दौर से गुजरता है भारत प्रायः, उससे हमारी जो जीवनी शक्ति है, इवन इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक, रोग का प्रतिकार करने की जो क्षमता है वो सबसे अधिक हो जाती है। क्योंकि जो ज़्यादा झेलता है, गामा पहलवान ने कहा था कि जो जितना सहन करने की क्षमता होगी वो उतना ही बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति बनता है। ये बात मुझे उनके जीवन की बड़ा महत्वपूर्ण लगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। आज जो हिंदू जितना झेल रहा है उतना ही ज़्यादा ये शक्तिशाली बनेगा, ये बात भी मैं कह रहा हूँ। जो इनको उंगली कर करके, हिंदुओं के उंगली कर करके तैयार कर रहे हैं इनके अपोनेंट, हिंदुओं के जो विरोधी, वो बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि हिंदू, क्योंकि तुम जैसे बीज बोओगे, कट्टरता के बीज बोओगे, तो कट्टरता ही सामने वाले के अंदर पैदा होगी। क्योंकि सीधे आदमी को भी टेढ़ा करने हो तो उसके पिछवाड़े में उंगली करते रहो, एक दिन वो तुम्हारे अंगूठा जरूर करेगा। अंगूठा छोड़ो, लकड़ भी कर सकता है, लकड़ी भी कर सकता है। खैर ये अलग की बात होगी, मज़ेदार टॉपिक हो गया, इससे थोड़ा ज़रूरत भी है आपको जानने के लिए। तो कहने का अर्थ यह है, गामा पहलवान कहता था
कि जो जितना ज़्यादा सहन करने के सामर्थ्य रखेगा, क्योंकि सहन शक्ति शक्ति तो बहुतों के पास होती है, लेकिन सहन शक्ति बहुत कम लोगों के पास होती है। अगर संसार में महान बनना है तो सहन शक्ति पैदा करो, और तुम झेल तभी पाओगे जब तुम्हारे अंदर शक्ति बढ़ती जाएगी, और तुम फिर इतने शक्तिमान हो जाओगे कि सामने वाला तुम्हारी फूंकने मात्र से उड़ जाएगा। गामा के सामने कोई टिक नहीं पाता था, ऐसा लगता था जैसे उसके शरीर पर राक्षस उतर आया हो। लड़ते समय वैसे बहुत सामान्य रहता था, बड़ा सहिष्णु था। तो भारत के अंदर युवा होने के विश्व की सबसे ज्यादा परसेंटेज जो युवाओं की है, यूथ की है, उसके पीछे का चमत्कारी लॉजिक यही है। क्योंकि यहाँ के लोग झेलते जाना है तो 50 साल की उम्र तक जवान बने रहने की क्षमताएं इनके अंदर रहती हैं, झेलते जाना है। और फिर हम जैसे लोग आयुर्वेद से सेवा कर रहे हैं तो और इनकी जवानी को बनाने में 4 चांद लगा रहे हैं, जो हम जैसे गुरु लोग और मोटिवेटर बैठे हुए हैं। लेकिन हम इस शक्ति को प्रयोग कहाँ करें, उपयोग कहाँ करें, ये एक अलग विषय है। इस पे हम फिर किसी दिन बोलेंगे। आज का विषय है, जो टॉपिक है, कि हमारे जो बच्चे हैं इनको हम बेहतर श्रेष्ठ संतान कैसे बनाएं। तो श्रेष्ठ संतान बनाने के लिए एक सबसे बड़ी जो आज के समय के माता पिता गलती कर रहे हैं, वो गलती ये है, वो कहते हैं कि बच्चों को फ्रीडम देना चाहिए। ये बहुत हानिकारक तत्व है। फ्रीडम माने स्वतंत्रता के लिए कहते हैं। जिन बच्चों को स्वतंत्रता का अर्थ ही नहीं पता है, उनको स्वतंत्रता देके आप क्या करेंगे? आप स्वतंत्रता का दुरुपयोग करवा सकते हैं, और वही तो हो रहा है। लोग देश विरोधी नारे लगाना सीख रहे हैं, यह स्वतंत्रता है। देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, यह कोई स्वतंत्रता है। लोग माता पिता के लिए वृद्ध सेवा आश्रम में पहुंचा रहे हैं, क्या यह स्वतंत्रता का ही परिणाम है? क्योंकि तुमने जैसा बचपन में बच्चों को ट्रेंड किया, उसका ही प्रतिफल तुम्हें देखने को मिलेगा, और समाज को भी उसी दुरूह स्थिति से गुजरना होगा, कठिन दौर से गुजरना होगा। क्या आपको पता है, हमारे मिलने वाले बड़े बड़े डॉक्टर और प्रोफेसर जो अपने आप को ओशो के भगत कहते थे, बहुत बड़े कंठीधारी लॉकेटधारी, गले में लॉकेट को धारण किए हैं ओशो के नाम का, और वो कहते हैं ओशो की भाषा बोलते हैं, ओशो के शब्दों को बोलते हैं, और कहते हैं कि बच्चों पे पाबंदी नहीं लगाना चाहिए, बच्चों को अभिव्यक्त करने देना चाहिए, बच्चों के लिए स्वतंत्रता देना चाहिए ताकि उनका सहज विकास हो सके। लेकिन मैं इसके विरुद्ध बोलता हूँ, मैं इसके थोड़ा खिलाफ हूँ। क्योंकि स्वतंत्रता का जहाँ पता ही नहीं है, स्वतंत्रता क्या होती है, समझ ही नहीं है कि उसका उपयोग कैसे करें, तब तक बच्चों के हाथों में स्वतंत्रता देना या उनको स्वतंत्र रखना या करना, यह बहुत घातक होगा बच्चों के भविष्य के लिए, और तुम्हारे लिए भी और समाज के लिए भी। अब पूछो कैसे? अब मैं लॉजिक दूंगा, और ऐसे लॉजिक दूंगा जो एक रिक्शा पुलर के लिए भी समझ में आ जाए, एक मजदूर फोर्थ क्लास नहीं फिफ्थ क्लास के शिक्षा लिए हुए व्यक्ति भी समझ जाए या शिक्षित। अगर कोई कहता है, मैं उन लोगों से कहता हूं और पूछता हूं जो डॉक्टर और प्रोफेसर हैं, कि तुम बच्चों को कहते हो कि उन्हें सहज विकसित होने के लिए उन्हें स्वतंत्र करना जरूरी है, तो क्या जो जानवर है जो जंगल में रहता है जो स्वतंत्र होता है, तो क्या वो उसका स्वतंत्र विकास हो पाता है? स्वतंत्रता में सहज विकास होता है, लेकिन वो पशुता में बदलता है। अब जैसे कि तुम्हारा बच्चा है, सपोज करिए वो कुसंगति में फंस गया है, वो उसके लिए फिर आप क्या देंगे? आप उसे अनुशासन देंगे कि नहीं देंगे? आप देंगे कि नहीं देंगे? आप उसको अंग्रेजी पढ़ाना चाह रहे हैं, डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं, आप बनाना चाह रहे हैं डॉक्टर, लेकिन तुमने तो तुम्हारे बच्चे को स्वतंत्र कर दिया, अब वो पढ़ेगा कैसे? अब तुम्हारा बच्चा कह रहा है कि मैं तो पुलिस अधिकारी बनूंगा। अभी थोड़ी देर पहले जो उसकी तैयारी चल रही थी डॉक्टर बनने की, अब चूंकि उसके अंदर समझदारी की कमी है, चंचलता की और चंचलता उद्दंडता ज्यादा है, बेवकूफी ज्यादा है, थोड़ी देर में कहेगा मैं तो दरोगा बनूंगा, तो आपने उसकी कोचिंग लगा दी। उसके बाद में फिर वो किसी और की संगति में आएगा, फिर वो कहेगा कि मैं तो पॉलिटिशियन बनूंगा, तो फिर वो सफ़ेद खादी के कपड़े पहन लेगा, और उसके बाद में फिर नेतागिरी की नौटंकी करेगा, उसके बाद में फिर वो और किसी को ज्वाइन करेगा,
और फिर वो चोर डकैतों को बने को ज्वाइन करेगा, फिर वो कहेगा मैं तो क्रिमिनल बनूंगा, डॉन बनूंगा। उसके बाद में फिर जो है वो कहेगा मैं तो रेपिस्ट बनूंगा, क्योंकि लड़कियां बड़ी सुंदर है, इनके लेने में बड़ा मजा आएगा, शादी तो 5 साल बाद होगी, शादी का इंतजार कौन करे, और मुझ जैसे बदसूरत को कोई लड़की पसंद नहीं करेगी तो फिर मैं क्या करूं, चलो मैं उसका बलात्कार ही कर देता हूं। यही है स्वतंत्रता तुम्हारी। स्वतंत्रता एक शस्त्र की तरह है, डायलॉग को सुन लेना जो मेरा बनाया हुआ निकल रहा है ईश्वर की कृपा से। स्वतंत्रता एक शस्त्र की तरह है जो मूर्ख के हाथ में पहुंचने पर विनाश लाते हैं, और समझदार और विद्वान के हाथों पे पहुंचने पर स्वतंत्रता विकास और रचनात्मक परिणाम लाती है। तो समझ लो, जैसे छोटा बच्चा तुम्हारा जो है अंगूर मांगे तब तो तुम उसे खाने को दोगे, लेकिन अगर वो तमंचा मांगे जिससे किसी की हत्या हो सकती है, रिवॉल्वर मांगे, तो क्या तुम्हें उसके हाथों में रिवॉल्वर देके उसे घूमने देना चाहिए? हेलो, स्वतंत्रता की बात हो रही है। ऐसे उदाहरण दे रहा हूं जो हमारा रिक्शा चलाने वाला भी भाई बंधु समझ ले। अगर तुम्हारा छोटा बच्चा खांसी का टॉनिक पीने को मांगेगा तो भले ही तुम दे दोगे, लेकिन क्या वो जहर पीने को मांगेगा तो क्या तुम दोगे? देना चाहिए, वो भी तो उसकी स्वतंत्रता की मांग है कि उसे जहर दे दो। अगर तुम्हारे बच्चे को खांसी हो गया है और डॉक्टर ने दही और चावल खाने को मना किया है तो क्या तुम उसे दही और चावल पिलाओगे, खिलाओगे? है ना, नहीं ना, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? अगर तुम्हारे बच्चे को बुखार है, निमोनिया है, ठंड से कांप रहा है, थर 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 थर, और तुम्हारा बच्चा कह रहा है कि डॉक्टर साहब मेरे इंजेक्शन मत लगाना, केवल कोई चूरन हो, टैबलेट हो, वो दे दो, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, और तुम उसको जल्दी ठीक करना चाहते हो, तो क्या उसके चूतड़ों पे तुम इंजेक्शन नहीं लगने दोगे? बताइए। तो कहने का अर्थ यह है, स्वास्थ्य पहले है, फिर चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, शारीरिक स्वास्थ्य हो, या हमारा सामाजिक स्वास्थ्य हो, स्वास्थ्य और शांति की स्थापना के लिए यदि किसी की मूर्खतापूर्ण स्वतंत्र निर्णयों का हनन करना पड़े, दमन करना पड़े, तो करना ही चाहिए। इसी को अनुशासन कहते हैं। अनुशासन का मतलब किसी को दबाना नहीं है, सताना नहीं है, अनुशासन का अर्थ होता है, क्योंकि बीएड की पुस्तकों में पढ़ा गया है, जो टीचर बनाने की पुस्तकें हैं, अनुशासन का जो वास्तविक अर्थ है उसमें कई अर्थ दिए हैं, अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। अनुशासन का अर्थ किसी को केवल मारना पीटना ही नहीं है, लेकिन अगर वो पिटके और मार खाके ही समझना चाहता है, जैसे कि योगी सरकार में लठ पड़ रहे हैं अपराधियों के, तो फिर ये उपहार उसे अवश्य मिलना चाहिए। यदि कोई बिना मार खाए समझने को तैयार है तो उसको मारने की कोई जरूरत नहीं है, पीटने की कोई जरूरत नहीं है, इतना ही अनुशासन काफी है। तो अनुशासन का अर्थ है कि सामने वाला समझ जाने को तैयार हो, अगर वो पिट के समझना है तो पिट के समझाओ, यदि वो बातों से समझ जाए तो बातों से समझाओ, लातों से समझे तो लातों से समझाओ, यही अनुशासन है। अनुशासन का अर्थ केवल और केवल मारना पीटना नहीं है, समझ को विकसित करना है, बुद्धि को जागृत करना है, बस इतना सा ही लॉजिक है। तो मेरे बहन और भाइयों, जो अपने बच्चों को कहते हैं कि उन्हें स्वतंत्र रहने दो, कल को तुम्हारा छोटा बच्चा, मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं गांव देहात में जो सेक्स की प्रैक्टिस करते हुए देखे गए हैं, 5-5 साल के लड़के और लड़कियां, 7-8 साल के लड़के लड़कियां लड़कियों की चट्टी उतार रहे हैं, उसमें उंगली डाल के घुमा रहे हैं, और लड़कियां लड़कों के लिंग को हिला रही हैं, झुला रहे हैं, ये अनुकृति करते हैं, ये फॉलो कर रहे हैं तुम्हारे समाज के बच्चे, ये कहाँ से आया? तुमने जो किया उसका ही परिणाम है।
ये पेट से सीख करके आए हैं। ये कुकर्म जो तुमने, जब बच्चे तुम्हारे गर्भ में थे, जब तुमने चकाचक किया और तुमने जब इज्जत नहीं किया, तुम्हारे घर में बच्चा है तुमने उसका सम्मान नहीं किया और तुमने अपने सेक्स को महत्व दिया, ध्यान दीजिएगा। तो कहने का अर्थ यह है मेरे बहन और भाइयों, जो भी माताएं पिता हैं, कि साला स्वतंत्रता का दुरुपयोग मत करिए। स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने वाले अपने अपने आप का, अपने बच्चों का भविष्य सत्यानाश कर देगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, फिर देखेंगे, फिर मिलेंगे। ओम शांति, ओम क्रांति। अधिक से अधिक शेयर करो ताकि सबका भला हो।